हे दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी का ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश स्पेशल का टेस्ट लगाएंगे। काफ़ी अच्छे आपके प्रश्न हैं जो कि आपकी परीक्षा वाणी से है, लगभग सभी एग्जामों के लिए। अगर यहाँ से आप प्रश्न पढ़ लेते हैं तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, चाहे आप UPSC की तैयारी कर रहे हों, UPSI की तैयारी कर रहे हों या किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप इतने टेस्ट लगा लेते हैं तो उम्मीद है कि लगभग यहीं से प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे, और दो चार प्रश्न इधर उधर के हो सकते हैं जिनको हम आपको डेली क्लास से देते हैं, जिसे आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, वैसे भी यहाँ पर देखते हैं कि यूपी स्पेशल का काफ़ी योगदान रहता है, इस समय यूपी स्पेशल के क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, तो चलते स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो ए ऑप्शन है बिरजू महाराज कथक से संबंधित है, बिल्कुल सही है। बिस्मिल्लाह खान आपके सहनाई वादक है, बिल्कुल सही है। जाकिर हुसैन आपके क्या है, तो याद रखिए जाकिर हुसैन आपके कैसे हैं, ये आपके तबला वादक हैं, ना कि हारमोनियम। तो आपका सी नंबर आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। वहीं पर अमजद अली खान जो आपके हैं वो सरोद वादक है, तो आपका सही है। थर्ड नंबर आपके यहाँ पर गलत हो जाएगा, तो जिसका ऑप्शन आपका सी आया है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय, संगीत शिक्षा हेतु पूछा गया है, तो आपका टू का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी नंबर, भारत खंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय जो कि आपके लखनऊ में है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है कि संगीत शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम संगीत महाविद्यालय कौन सा है, तो इसका भी जवाब आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय लखनऊ। थ्री का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल, देखिए क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, जैन और बौद्ध दोनों का जो प्रसिद्ध आपका तीर्थ स्थल है वो आपका हो जाएगा कौशाम्बी। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा कौशाम्बी। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या आपका सही होगा। इस प्रकार से ऑप्शन आपका दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर कह सकते हैं कि चारों ऑप्शन देख लिए, नहीं तो आप लोग कहोगे दिख नहीं रहा है, यहाँ पर थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर जो फाइव नंबर है, यहाँ पर देखिए जो आपका बिरहा है, बिरहा आपके कहाँ पर होता है, तो बिरहा जो आपका होता है कह सकते हैं आपके भोजपुर में। ठीक है, और आपका कजरी जो आपका है वो आपके अवध में, जो आपका कह सकते हैं मल्हार है, ये आपका कह सकते हैं कौरवी है, और जो रसिया है रसिया आपके ब्रज क्षेत्र में है, तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है कि अमीर खुसरो ने किसके विषय में अग्रणी भूमिका निभाई, तो यहाँ पर आपका जवाब सही क्या हो जाएगा, तो सिक्स का ऑप्शन राइट आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, खड़ी बोली। ठीक है, खड़ी बोली। अगला प्रश्न है कि उत्तर माध्यमिक सांस्कृतिक केंद्र स्थित आपका कहाँ है, उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र, यहाँ पर उत्तर मध्य होगा, उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र आपका जो स्थित है वो आपके कहाँ पर है, तो मध्य में है, तो आपका कह सकते हैं इलाहाबाद, ये कह सकते हैं आपके प्रयागराज, ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि सितार मिश्रण है, सितार में क्या क्या होता है, याद रखिए जो सितार बनता है वो आपका वीणा और तंबूरे का मिश्रण होता है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, वीणा और तंबूरे का मिश्रण। अगला प्रश्न आपका है कि कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है, कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, याद रखिए ये आपके सोनभद्र का है। ठीक है, नाइन का ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा, सोनभद्र। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, देखते हैं यहाँ पर आपका दिया है दस नंबर में, पहला कह रहा आपसे कि आला आपका दिया है महोबा में, जो कि बिल्कुल सही है, बिरहा दिया आपका कन्नौज में, तो भाई यहाँ पर ये कह सकते हैं कि बिरहा आपके कन्नौज में नहीं होता है, तो इस प्रकार से यहाँ पर बिरहा आपका ये आपका गलत हो गया, बिरहा आपके पूर्वांचल क्षेत्र में होता है। ठीक है, बिरहा आपके पूर्वांचल क्षेत्र में होता है, इस कारण से बी ऑप्शन यहाँ पर आपका गलत है। रसिया याद रखिए बरसाना में, कजरी आपके मिर्जापुर में। ठीक है, बी नंबर आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है निम्न में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, निम्न से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, 11 का जवाब सही हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपका डी, जो आपका वीणा है यह आपका सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, 11 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है निम्न को सुमेलित करना है 12 नंबर, तो देखते हैं यहाँ पर आपका दिया है उस्ताद विसायत खां का जो संबंध है यह आपका सितार वादक से है, और फिदा हुसैन नारसी का जो संबंध है वो आपके हिंदी रंगमंच से है, और सितारा देवी का संबंध या आपके कथक से है, और जतिन भट्टाचार्य का संबंध या आपके सरोद वादक से है। इस प्रकार से ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर 12 का भी आपका हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि तानसेन का मकबरा कहाँ पर है, 13 का जवाब देना है, और सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ग्वालियर में। ठीक है, ग्वालियर में। अगला प्रश्न आपका है लोक नृत्य राहुला का संबंध यूपी के निम्न से किस एक क्षेत्र से है, राहुला का जो संबंध है वो आपके कहाँ से है,
तो राइट आंसर आपका हो जाएगा आपके बुंदेलखंड क्षेत्र से, ठीक है। 14 का ऑप्शन राइट आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर जवाब आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है, ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है। याद रखिए कि ताज महोत्सव आपके फरवरी माह में मनाते हैं, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला है ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किससे है, तो यहाँ पर याद रखिए 16 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी नंबर। ठुमरी गायिका का जो संबंध है वो आपके बनारस घराने से है, ठीक है, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा है, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का है, ब्रज क्षेत्र का नृत्य आपका कौन सा, यहाँ पर 17 नंबर, तो 17 का जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर आपका सी नंबर, चरकुला नृत्य, ठीक है, चरकुला नृत्य है। इसमें से हमने आपको बताया भी था, इसमें से जो आपका दीपों का आप कह सकते एक सर के ऊपर रख लेते हैं, ठीक है, और 108 दीपों का होता है, ठीक है, वही चीज आपका है। और अगला है सैयद सलार मेला कहाँ लगता है, सैयद सलार मेला कहाँ लगता है, तो ये लगता है आपके बहराइच में, ठीक है, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा बहराइच में। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, निम्न में से कौन नृत्य बुंदेलखंड में फसल कटाई के समय किया जाता है। देखिए बुंदेलखंड में दिया है और फसल कटाई के समय दिया है, तो याद रखिए आपके क्वेश्चन पूछा भी गया है, यूपीपी में पूछा गया है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सैरा, ठीक है, कौन सा आपका है, तो आपका सैरा है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत है, बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत है, तो यहाँ पर आपका 20 का जवाब क्या बनेगा, तो 20 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका ए नंबर, जो आपका आला है, ठीक है, आला हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है कि हरिदास जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाती है, हरदास जयंती जो आपकी प्रतिवर्ष मनाई जाती है वो आपके वृंदावन में, ठीक है, 21 का ऑप्शन राइट आपका कौन सा हो जाएगा सी नंबर। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, यहाँ पर कुछ मेले हैं और जिनका आयोजन आपको बताना है कि किसका आयोजन कहाँ पर आपका होता है, तो यहाँ पर देखते हैं कि आपका, चलो थोड़ा सा इसे छोटा कर दें तो आप सबको दिखाई देगा ऑप्शन भी, चलिए यहाँ पर आपका 22 नंबर आपका है, चलिए अब आपका आ गया है। यहाँ पर देखिए जो आप कह सकते हैं बटेश्वर मेला लगता है, बटेश्वर मेला लगता है, एक पशु मेला है जो कि कह सकते हैं आपके आगरा में लगता है। वहीं पर देवास शरीफ का भी मेला लगता है वो आपके बाराबंकी में। हरदास जयंती जो आपकी है वो आपके वृंदावन में। और नौचंदी महोत्सव जो होता है वो आपके कहाँ पर, तो मेरठ में होता है। इस कारण से राइट आंसर आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा, ठीक है, 22 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है, चरकुला कहाँ का है, अभी आपका प्रश्न आया भी था, तो याद रखिए चरकुला नृत्य जो आपका है ये ब्रजभूमि का है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उन्हें चिन्हित कीजिए जो कथक नृत्य से संबंधित नहीं है, कथक से संबंधित नहीं है, यहाँ पर आपको बताना है, तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 24 में 24 क्वेश्चन राइट आपका जवाब, यहाँ पर देखिए आपके बिंदादीन हैं, शंभू महाराज भी हैं, लच्छू महाराज भी हैं, लेकिन ध्रुव तारा जोशी या आप कह सकते हैं कथक नृत्य से संबंधित आपकी नहीं है, ठीक है। और अगले प्रश्न को आते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, इनमें से कौन सा लोक नृत्य या लोक संगीत, यहाँ पर लोक संगीत है, कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थानों से सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर 25 नंबर में आप देखिए, यहाँ पर आपसे कह रहा है कजरी आपका दिया है कहाँ पर, आपके बनारस में, कजरी कहाँ पर है आपके बनारस में है। और यहीं यहाँ पर आपका जो दिया गया है बिरहा आपका दिया है कानपुर, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि बिरहा जो आपका होता है वो पूर्वांचल में होता है, ठीक है, बिरहा आपके पूर्वांचल में होता है, तो बी नंबर आपका गलत हो जाएगा। वहीं पर होली ब्रज में होती है, नौटंकी आपके हाथरस में, ठीक है, और राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है, यहाँ पर देख सकते हैं, तो देखते हैं यहाँ पर 26 नंबर में आपसे पूछा गया है कौन सुमेलित नहीं है, तो दिया है कर्मा, दिया है महोबा, एक कर्मा दिया है महोबा, तो क्या महोबा में है क्या कर्मा, मिर्जापुर क्षेत्र में होता है ना, तो ये आपका पहला ही पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। अदर तीन आपके सही होंगे, धुरिया आपका होता है बुंदेलखंड में, दीवर होता है कहार के द्वारा किया जाता है, नटवरी आपके पूर्वांचल में, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए नंबर गलत है। यहाँ पर अगला प्रश्न आपका दिया है कि उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित सांस्कृतिक विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है, तो देखो उसका संरक्षण करना है, उसका प्रकाशन करना है, उसका अभिलेखीकरण करना है, लेकिन उसका बिक्री करना नहीं है, तो 27 क्वेश्चन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे है कि निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है, कौन उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है, तो यहाँ पर देखो लोकगीत आपका दिया है बिरहा आपका है, ठीक है, बिरहा है, कजरी है, रसिया है, लेकिन ढोला मारू आपका कह सकते उत्तर प्रदेश का नहीं है, तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, 29 नंबर, तो 29 नंबर की अगर बात करें यहाँ पर आपका जो जवाब सही हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कौन सा,
मतलब सुमिलित नहीं है। तो आला आपका बुंदेलखंड में, बिरहा आपके पूर्वांचल में, चैती दिया है रोहेलखंड में, चैती दिया है रोहेलखंड में। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि चैता आपका रोहेलखंड में नहीं होता है, इसी नंबर आपका गलत है, कजरी आपके अवध में हो जाएगा, ठीक है। और अगले प्रश्न को आते हैं, प्रश्न आपसे अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, यहाँ पर जवाब देना है आपको। चलिए यहाँ पर 30 का जवाब दीजिए, और 30 का ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही है, डी हो जाएगा। याद रखिएगा चरकुला भी है, धुरिया भी है, कर्मा भी है, लेकिन मुरिया ये आपका नहीं है, ठीक है। और अगला प्रश्न आपका है, धुरिया लोक नृत्य आपका कहाँ का है, धुरिया लोक नृत्य आपका कहाँ का है। 31 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, याद रखिए आपकी बुंदेलखंड का है, ठीक है, बुंदेलखंड का। अगला प्रश्न आपका है कि भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय बना, याद रखिए इसे विश्वविद्यालय बना दिया गया, जो कि कह सकते हैं ये जो आपका बना था ये आपके कब, तो 32 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, सन 2001 में, ठीक है। तो भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय कब बना, तो आपका 2001 में बना था। अगला प्रश्न है, सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना किसने की थी, सत्यम शिवम सुंदरम की जो रचना किया था या कि किसने किया था, तो 33 क्वेश्चन राइट आपका सी हो जाएगा, या पे थे शिवनंदन नोटियाल, ठीक है, शिवनंदन नोटियाल ने किया था, सत्यम शिवम सुंदरम। अगला प्रश्न आपका है कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है, तो कहां पर आयोजित करते हैं, 34 का जवाब क्या हो जाएगा, तो 34 क्वेश्चन आपका डी हो जाएगा, आपके आगरा में, ठीक है, आपके आगरा में ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया है, लखनऊ की बात कह रहा है, लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका दिया है बिंदादीन भी दिए हैं, उस्ताद दूल्हे खां भी हैं, और आपके यहाँ पर कह सकते हैं इलियास खां हैं, लेकिन आपके जो मेहंदी हैं, मेहंदी आपके कह सकते हैं लखनऊ सांस्कृतिक घराने से संबंधित आपके नहीं है। 35 क्वेश्चन आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किया गया था, तो चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किया था, यहाँ पर याद रखिए किसने यहाँ पर चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किया था। 36 का जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर, आपकी हुमायूं ने, ठीक है, हुमायूं ने आरंभ किया था। नेक्स्ट आपका है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, देखते हैं यहाँ पर कि मिलान किस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर देखिए गोविंद साहब मेला ये जो लगता है ये आपके अम्बेडकर नगर में लगता है। कैलाश मेला की बात करें तो कैलाश मेला आपके कहाँ पर, आपके आगरा में लगता है। सैयद सलार मेला आपके बहराइच में लगता है, और शाकुंभरी देवी का मेला या आपके जो आपका बचा हुआ है आपका सहारनपुर में हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश में वर्षा के समय गाया जाने वाला लोकगीत कौन सा है, तो जो लोग यूपीपी 2018 में एग्जाम दिए होंगे तो प्रश्न इस प्रकार के मिल रहे होंगे, ठीक है। तो 38 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका ये हो जाएगा, आपका कजरी, ठीक है, कजरी है। अगला प्रश्न आपका है कि प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी का संबंध किससे है, या आपके भीमसेन जोशी हैं और इनका जो संबंध है वो आपके किराना घराने से, ठीक है, किराना घराने से है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका है, इनमें से कौन कथक कलाकार नहीं है, 40 नंबर। तो कथक कलाकार की बात करें तो यहाँ पर देखिए बिरजू महाराज हैं, लच्छू महाराज हैं, सितारा देवी हैं, लेकिन किशन महाराज का संबंध ये आपके कथक कलाकार से नहीं है। अगला प्रश्न आपका है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, यहाँ पर मेला और त्यौहार दिए हैं और इनका आयोजन आपको कह सकते हैं कि मिलन करना है। तो देखिए जो पशु मेला है, अभी हमने बताया था पशु मेला जो आपका लगता है वो आपके कहाँ पर, तो पशु मेला आपके कह सकते हैं ये बटेश्वर मेला है, ठीक है, थर्ड नंबर हो जाएगा। वहीं पर अगर बात करें द्रौपद मेला आपका कहाँ लगता है, तो ये आपका जो लगता है आपके वाराणसी में लगता है। गोविंद साहब मेला तो आपके अम्बेडकर नगर में, और माघ मेला तो आपके प्रयागराज में, ठीक है। इस प्रकार से पहला ही ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, 41 क्वेश्चन आपका फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, सूचियाँ जो दिया है सुमेलित करना है 42 नंबर में। तो यहाँ पर 42 में देखिए कह रहा आपसे लोकगीत और आपका क्षेत्र दिया है, ठीक है, लोकगीत और आपका क्षेत्र है। तो यहाँ पर आपका दिया है बिरहा जो आपका है ये आपका पूर्वांचल का है, ठीक है, और रसिया जो आपका है ये आपकी ब्रजभूमि का है, आहला जो आपका है वो आपका बुंदेलखंड का है, और जो यहाँ पर बचा हुआ है आपका कौन, जो आपका बचा हुआ है आपका कजरी, तो कजरी को मिला दीजिए जो बचा है, कजरी को मिला दीजिए जो आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 42 क्वेश्चन आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर 312 आपका 4 आपका हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य कौन है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य पूछा है, और प्रमुख लोक नृत्य की बात करेंगे तो आपके यहाँ पर धोबिया, राई, सहरा, ये सभी हैं, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये सुमेलित करना है, यहाँ पर सुमेलित करना है, और कुछ इस प्रकार से आपको दिया गया है।
ठीक है, ऐसे आपको दिया है 44 नंबर में। तो यहाँ पर देखिए भातखंडे संगीत संस्थान जो कि आपके 1926 है, ठीक है, और इसे कह सकते हैं कि जो विश्वविद्यालय बनाया गया था, ठीक है, डीम्ड वो 2001 में था, है ना। तो कह सकते हैं कि पहला पॉइंट आपका जो आपका है यहाँ पर 44 नंबर में, तो पहला यहाँ पर मिलान आपका पहला ही पॉइंट सही है। दूसरा है राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना 1962 में हुई थी। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1963 में हुई थी। और भारतीय नाटक अकादमी जो आपका 1975 में, अर्थात ये जो यहाँ पर दिए हैं बिल्कुल क्रम से दिए हैं, तो 44 का ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि मिर्जापुर प्रसिद्ध है, मिर्जापुर प्रसिद्ध है किसके लिए प्रसिद्ध है। मिर्जापुर आपका है या आपके कजरी के लिए, ठीक है, कजरी के लिए है। अगला प्रश्न है निम्न से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है, 46 नंबर आपको बताना है। यहाँ पर आपका दिया है कि बिरजू महाराज जो कि आपके कथक से हैं, बिल्कुल सही बात है। आला आपके महोबा से है, ये भी आपका सही है। अमजद अली खां आपके सरोद वादक है, ये भी आपका सही है। विरहा दिया है कन्नौज, तो ये विरहा आपके कन्नौज में नहीं है, विरहा आपके पूर्वांचल क्षेत्र का है ना, इस कारण से आपका डी नंबर आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंध है, शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित आपका पूछा गया है। तो यहाँ पर 47 का जवाब बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा आपका कथक, ठीक है, कथक। अगला प्रश्न है शाकंभरी देवी का मेले का आयोजन किया जाता है, शाकंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है तो आपका सहारनपुर में, सा से शाकंभरी, सा से सहारनपुर, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला है कि बहराइच सुल्तानपुर रायबरेली किस बोली के क्षेत्र में आते हैं, सुल्तानपुर बहराइच रायबरेली ये आपके जो आते हैं ये आपके औधी क्षेत्र में आते हैं, ठीक है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, औधी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, निम्न से एक सही सुमेलित नहीं है, 50 नंबर में देखना है। तो 50 नंबर में अगर देखेंगे तो आहला दिया है आपके बुंदेलखंड से जो कि बिल्कुल सही है, बेरा आपका दिया है पूर्व उत्तर प्रदेश से, ये भी सही है, कजरी दिया है रुहेलखंड से तो आपका गलत हो जाएगा, कजरी आपके मिर्जापुर से जो अभी हमने आपको बता दिया, ठीक है, कजरी आपके मिर्जापुर से है, और चैता जो आपके हैं वो अवध से है, एक जगह आपको चैता मिला भी था ना, तो वहाँ पर हमने शायद नहीं बताया था, तो याद रखिए चैता जो आपका है वो आपके अवध एवं भोजपुरी क्षेत्र से आपका है। यहाँ पर पूछा था सुमेलित नहीं है तो आपका कजरी सुमेलित नहीं है क्योंकि कजरी जो आपका है वो आपकी मिर्जापुर से संबंधित है। अगला प्रश्न आपका है निम्न से कौन बुंदेलखंड का लोक नृत्य नहीं है, बुंदेलखंड का लोक नृत्य नहीं है, तो बुंदेलखंड में आपका कह सकते हैं ख्याल नृत्य होता है, पाईडंडा नृत्य होता है और आपका राय नृत्य भी होता है, लेकिन आपका बढ़िया नृत्य यहाँ से संबंधित नहीं है, तो 51 ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है कि लठमार होली मनाई जाती है, लठमार होली मनाई जाती है या आपकी कहाँ पर, तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर सबका जवाब बिल्कुल सही होगा आपके बरसाने में, ठीक है, बरसाने में है। और अगला है कि अयोध्या के किस संगीतकार ने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया था, टप्पा शैली का विकास किया था, यहाँ पर 53 का जवाब सही क्या हो जाएगा, तो 53 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा आपका बी, आपके खुशी महाराज ने, ठीक है, किसने किया था, खुशी महाराज ने किया था। और अगला प्रश्न आपका है कि मेरठ में प्रत्येक वर्ष होली के बाद आयोजित किया जाने वाला रंग बिरंगा मेला आपका कौन सा है, रंग बिरंगा मेला आपके मेरठ में ये आपका कौन सा है, तो नौचंदी महोत्सव, ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, नौचंदी महोत्सव हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी। अगला प्रश्न आपका है कि किस सूफी संत की वार्षिक उर्स पर देवा शरीफ अर्थात बाराबंकी में मेला लगता है, तो याद रखिए अगर यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो भैया यहीं से आपको सब कुछ मिल जाएगा, यही वीडियो आप देख लिए एग्जाम के समय और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका याद रखिए जो बाराबंकी में लगता है ये आपका है 55 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी नंबर, अब आपके वारिस अली खा, ठीक है, वारिस अली शाह के यहाँ पर कह सकते हैं वार्षिक उर्स पर लगता है जो कि बाराबंकी में है, ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है ये प्रसिद्ध सितार वादक इनायत खां किस घराने के थे, प्रसिद्ध सितार वादक इनायत खां किस घराने के थे, तो 56 का जवाब क्या बनेगा, 56 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, आपके इटावा घराने से थे, ठीक है, इटावा घराने से थे। और अगला प्रश्न आपका है कि जौनपुर के सुल्तान हुसैन सरकी ने निम्न से किसकी धुन पर बड़ा ख्याल का विकास किया था, हुसैन सरकी जो कि आपके जैनपुर के सुल्तान हैं, ठीक है, बड़ा ख्याल का जो विकास किया था ये आपके किया था कह सकते हैं आपकी कव्वाली, ठीक है, तो ऑप्शन आपका 57 का हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न आपका है इन्हीं में से किस तबला वादक का जन्म बनारस के कबीर चौरा में हुआ था, बनारस के कबीर चौरा में हुआ था, यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा, तो 58 का ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, कबीर चौरा में जो आपका हुआ था वो आपके पंडित किशन महाराज, ठीक है, पंडित किशन महाराज, तो इस प्रकार से आपका सी हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका है इन्हीं में से कौन लोकगीत बरसात के महीने में गाया जाता है, बरसात के महीने में गाया जाता है, तो याद रखिए बरसात के महीने में ये आपको गाया जाता है कौन, फिर आपसे यहाँ पर निम्न में से प्रदेश का कौन सा जनपद उत्तराखंड हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है,
उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, ये आपका कौन सा जनपद है? बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, ये आपका है सहारनपुर, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि क्षेत्रफल के घटते क्रम में सही विकल्प का चयन कीजिए। चलिए यहाँ पर आपको बताना है क्षेत्रफल के घटते क्रम में सही विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका बी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर आपका उत्तर प्रदेश, अर्थात यूपी का कौन सा स्थान आता है? चौथा स्थान। इस प्रकार से ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा आपसे कि लखनऊ की सीमा किसे स्पर्श नहीं करती है। थ्री का जवाब दीजिए कि लखनऊ की सीमा किसे स्पर्श नहीं करती है। तो यहाँ पर थ्री का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा सी नंबर, जिसका जवाब सी आ रहा है, बिल्कुल सही है, बलिया है जो कि आपकी लखनऊ की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पश्चिम में कौन सी नदी काफ़ी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है। तो ये पश्चिम में है जो कि कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक सीमा निर्धारित करती है, ये नदी आपकी कौन सी है? तो याद रखिए ये आपकी पश्चिम में यमुना नदी है, ठीक है, यमुना नदी है जो पश्चिम साइड में काफ़ी हद तक सीमा आपकी निर्धारण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पाँचवा नंबर है कि उत्तर प्रदेश के भाभर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के भाभर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? फाइव का जवाब दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर याद रखिए भाभर क्षेत्र में आपकी ककरीली और पथरीली होती है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपसे कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है। भाई सबसे कम वर्षा आपसे पूछा गया है, तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, सबसे कम आपके कहाँ होती है? आपके मथुरा में होती है, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न जिलों का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम बताइए। उत्तर से दक्षिण पूछा है, तो इसका मतलब उत्तर से दक्षिण में आपका देखा जाए तो सिद्धार्थ नगर, फिर आपका संत कबीर नगर, फिर अम्बेडकर नगर, फिर संत रविदास नगर, ये आपका उत्तर से कह सकते हैं दक्षिण से सही क्रम आपका हो जाएगा, सेवन का ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न नगरों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही घटता क्रम बताइए। यहाँ पर जो आपके नगर हैं इनको क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो सही घटता क्रम आपका कौन सा बन जाएगा, और डायरेक्ट बिल्कुल फैक्ट पूछे आते हैं ऐसे ही क्वेश्चन, तो आठ का यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका डी, वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, फिर आपकी भदोही। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा कौन सा? सी नंबर आपका सही हो जाएगा, सॉरी डी नंबर आपका सही हो जाएगा, आठ का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं सॉरी कि प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। नाइन का जवाब दीजिए कि प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन राइट आपका डी, गोरखपुर में होती है, ठीक है, गोरखपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपसे निम्न में कौन क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम की दृष्टि से सही है। बढ़ते क्रम की दृष्टि से सही है, दस का जवाब देना यहाँ पर, और दस का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर आपका गौतम बुद्ध नगर, फिर बाराबंकी, फिर मिर्ज़ापुर, फिर आपका सोनभद्र। सही जवाब आपका सी हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्ज़ापुर और आपका यहाँ पर सोनभद्र, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है। तो सोनभद्र जिले को स्पर्श कौन कौन करते हैं? भाई आप सबको पता होगा कि सोनभद्र जिले को चार राज्यों की सीमाएं आपकी स्पर्श करती हैं, ऑप्शन राइट आपका सी सही हो जाएगा, चार राज्यों की सीमा स्पर्श करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलियों से निर्मित है। तो आद्यकाल की जो प्राचीनतम शैलियों से निर्मित है ये उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र है? बारह का सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, ये है आपका बुंदेलखंड, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, बुंदेलखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है आपको बताना है, यहाँ पर जवाब दीजिए। तो देखिए राजस्थान से लगती है, हरियाणा से लगती है, लेकिन पंजाब से नहीं लगती है, ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा, पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा का जो क्षेत्र है, क्षेत्र आपको बताना है, तो ये आपका कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? तो आपका कह सकते हैं ये आपका हो जाएगा तराई क्षेत्र, ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, तराई क्षेत्र जो आपका है, अर्थात कह सकते हैं कि जो आपके पूरब साइड में आपके यूपी पूरे जैसे वो बलिया वगैरह है तो उसी साइड में आपका तराई है, तो आपका ए नंबर तराई क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है कि निम्न से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला बताइए। यहाँ पर देख सकते हैं सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला आपका जिला कौन सा है, तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, लखीमपुर खीरी, ठीक है, लखीमपुर खीरी का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, ठीक है। अगला है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में स्थान कौन सा है। तो आपका हमने अभी बताया था कि उत्तर प्रदेश का जो स्थान आता है वो आपका चतुर्थ स्थान आता है, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, चतुर्थ स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न से किस जिले को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके सात जिले हैं जो आपके इंटरनेशनल सीमा अर्थात आपके नेपाल से जुड़े हुए हैं, तीन में से कौन सा जिला नेपाल से नहीं जुड़ा है। सत्रह का ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, बस्ती, ये आपका नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला है निम्न जिलों में क्षेत्रफल में सबसे छोटा आपका कौन सा है।
तो आपको यहाँ पर चार ऑप्शन के अनुसार बताना है सबसे छोटा आपका कौन सा है 18 में। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो क्षेत्र में सबसे छोटा हो जाएगा आपका वाराणसी हो जाएगा, ए नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना है। तो उत्तर प्रदेश का देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग आपका कितना है, ये आपका 7.3% है, ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से किस देश की सीमा उत्तर प्रदेश से मिलती है, किस देश की सीमा उत्तर प्रदेश से मिलती है। तो याद रखिए नेपाल देश की सीमा आपको मिलती है, ठीक है, इसकी नेपाल की सीमा आपकी यूपी से मिलती है। अगला क्वेश्चन है निम्न से किसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अर्थात NCR के 32वें और उत्तर प्रदेश के 8वें जिले के रूप में शामिल किया गया। 21 का ऑप्शन राइट आपका बिल्कुल सही है, यहाँ पर जवाब हो जाएगा ये नंबर शामली को शामिल किया गया है 8वें जिले के रूप में जो कि NCR में, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, अगला क्वेश्चन है निम्न से किस जिले की सीमा नेपाल से लगती है, किस जिले की सीमा नेपाल से लगती है। यहाँ पर आपका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा महाराजगंज, ठीक है, यह आपके नेपाल के पूर्वी एरिया से स्पर्श करता है महाराजगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से कौन जिला बुंदेलखंड का क्षेत्र है, निम्न से कौन जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का है। तो देख सकते हैं बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चन आपके हैं, यहाँ पर पूछा भी गया आपका 2019 में। तो आपके यहाँ पर कौन सा जवाब हो जाएगा, 24 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा सी नंबर, ये है आपका जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है महोबा है, ठीक है ना। चलिए अब आपका अगला चैप्टर यहाँ पर शुरू हो चुका है, ठीक है, जो कि आपके उत्तर प्रदेश की मिट्टी कृषि यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते रहते हैं। तो यहाँ पर आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई। चलिए जवाब दीजिए उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई। चलिए बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन राइट आपका वन का हो जाएगा डी, 18 जून 2001 से आपकी प्रारंभ की गई थी, ठीक है, वन आपका वन का डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रथम उत्पादक आपका है। तो सर्वप्रथम उत्पादक आपका जो है वो आपका देख सकते हैं किसका है, गेहूं का है, ऑप्शन राइट आपका डी सही हो जाएगा। अगला है भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो भारतवर्ष में प्रथम कृषि विद्यालय की स्थापना जो की गई थी वो आपकी की गई थी आपके पंतनगर में, याद रखिएगा आपका डी नंबर हो जाएगा पंतनगर में की गई थी। अगला है उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है, जवाब दीजिए उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल आपकी कौन सी, यहाँ पर आपकी गेहूं हो जाएगी। हाँ अगर कह सकते हैं कि ये पूछा जाए कि व्यापारिक दृष्टि से तो आपकी वो गन्ना हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि लाल मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी पाई जाती है कहाँ पर पाई जाती है। 5 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, एटा और मैनपुरी। 5 का ऑप्शन आपका भाई डी हो जाएगा, यहाँ पर मिर्जापुर और झांसी में हो जाएगा, ठीक है, इसका आपका भाई 5 का डी हो जाएगा, मिर्जापुर और आपके कौन से झांसी क्षेत्र में आपकी लाल मिट्टी पाई जाती है। जैसे आप झांसी में एंट्री करते हैं तो आपको लाल मिट्टी देखने को मिलती है। अगला है उत्तर प्रदेश में सशस्त्र जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है। 6 का जवाब क्या हो जाएगा, तो 6 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, आपके 9 हैं, कितने क्षेत्र हैं, 9 क्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त आपका ये फसल चक्र है, अर्थात 7 का जवाब हो जाएगा धान मक्का गेहूं, ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा, ये आपके पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है धान मक्का गेहूं। कि उत्तर प्रदेश में विक्रय अधिशेष अधिकतम है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि विक्रय अधिशेष जो आपका है सबसे ज़्यादा वो आपका किसका है, तो आपके गेहूं का है, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, गेहूं का हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्न फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है। तो सबसे कम अवधि जो आपकी है वो किसकी है भाई, 10 का जवाब दीजिए। तो याद रखिए 10 का जवाब हो जाएगा डी नंबर आपके मूंग, मूंग बहुत ही कम समय में आपकी उत्पादित हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है, तो भाई बताइए उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक किसका है। तो याद रखिएगा आपका सबसे ज़्यादा आपका गेहूं, फिर गन्ना, फिर आपका आलू हो जाएगा, 11 का ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में उत्तर प्रदेश जिनके उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है वे आपके कौन है। तो प्रथम स्थान की अगर बात करा है तो यहाँ पर आपका जो 12 का सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा गेहूं, फिर इसके बाद आपका गन्ना हो जाएगा, तो ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्रदेश में पान उत्पादन के लिए कौन सा जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर आपसे पान उत्पादन के लिए पूछा है, तो 13 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, जो ये महोबा है, तो महोबा आपके पान उत्पादन के लिए आपका विशेष रूप से आपका प्रसिद्ध है, ठीक है, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश किस उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक है। देख सकते हैं किस उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक है, और सॉरी नहीं है, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा है नहीं है, तो भाई ऐसे पॉइंट आपको ध्यान दिया करना, जैसे अभी देखो गलती होने जा रही थी। तो 14 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा डी, फूलों का उत्पादन नहीं करता है आपका जो उत्तर प्रदेश है, ठीक है, मतलब करता है बिल्कुल थोड़ा बहुत करता है, लेकिन गेहूँ आलू गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है
कि प्रदेश में अवनालिका अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है। तो अवनालिका अपरदन क्या होती है कि मिट्टी के क्षरण से कटाव बहुत ज़्यादा होता है और ये एरिया जो आपका है चंबल घाटी एरिया है, और चंबल घाटी एरिया वाला जो क्षेत्र आपका है वो आपका इटावा क्षेत्र है। ठीक है, तो आपको पता है कि जो आपकी चंबल आपकी नदी आती है वो इटावा के पास आके मिलती है, तो आपका एरिया कौन सा हो जाएगा, इटावा हो जाएगा, सी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि प्रदेश में वायु मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ पर वायु अपरदन पूछा है और वायु अपरदन जो क्षेत्र होगा वो आपका राजस्थान लगभग एरिया होगा, और राजस्थान एरिया जो आपका होगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, तो आपका ये पश्चिमी एरिया आपकी यूपी का पश्चिमी एरिया हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न से उत्तर प्रदेश किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, किस फसल का उत्पादक नहीं है, तो 18 का सही जवाब आपका कौन सा हो जाएगा, तो देख सकते हैं आलू भी है, गन्ना भी है, गेहूं है, लेकिन चावल आपका नहीं है, ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश निम्न से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है, तो सबसे बड़ा उत्पादक जो आपका है तो वहां पर देखते हैं आपका कह सकते हैं गन्ना का है, फिर इसके बाद आपका किसका है, आलू का है। ठीक है ना, तो यहां पर जवाब आपका फर्स्ट और थर्ड हो जाएगा, जिसके अनुसार से आंसर आपका डी सही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल, यहां पर नकदी फसल की बात किया है, तो भाई नकदी फसल क्या हो जाएगी, जवाब दीजिए यहां पर। चलिए यहां पर 24 का सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, गन्ना, जो कि हमने बताया था नकदी के हिसाब से आपका गन्ना हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का प्रमुख वाणिज्यिक फसल, वाणिज्यिक मतलब वही व्यापारिक होता है, और व्यापारिक जो कि प्रमुख बोला है, और प्रमुख का जवाब भी आपका ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, गन्ना ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, अर्थात कौन सी दाल है जिसकी ज्यादा मात्रा में बुआई होती है। यहां पर 26 का जवाब क्या हो जाएगा, तो 26 का ऑप्शन डी हो जाएगा, चना। ठीक है, चना आपका काफी होता है आपके उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य कौन सा है, गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर 27 का ऑप्शन साई आपका सी हो जाएगा, गेहूं का उत्पादन आपके कहाँ पर होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है, याद रखिए उत्तर प्रदेश में होता है, जो कि क्षेत्रफल के हिसाब में देखा जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है, तो कृषि श्रम उत्पादकता जो सर्वाधिक है वो आपकी किस क्षेत्र की है, 28 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और याद रखिएगा हरित क्रांति जो आपकी आई थी वो आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही सर्वप्रथम आपकी आई थी। ठीक है, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा जाता है, उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा जाता है, 29 का सही जवाब क्या हो जाएगा, याद रखिएगा एक हेक्टेयर से कम भूमि वालों को सीमांत कृषक कहा जाता है, 29 का ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। अगला है कि उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिनमें जानवरों के लिए पॉली क्लिनिक नहीं है, तो जानवरों के लिए पॉली क्लिनिक आपका नहीं है कहाँ पर, तो यहाँ पर 30 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, आपका झांसी। ठीक है, कहाँ पर, झांसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है, खरीफ की फसल की जो बुआई होती है तो भाई ये मानसूनी फसल होती है खरीफ, और मानसूनी मतलब आपका मई जून के हिसाब से होगा, तो 31 में यहाँ पर देखते हैं कि और भी आपके ऑप्शन यहाँ पर होंगे, यहाँ पर देख सकते हैं जो ऑप्शन आपका यहाँ पर दिया गया है 31 का कौन सा, सी नंबर, यहाँ पर जून जुलाई के समय आपका होता है। ठीक है, सी नंबर आपका सही हो जाएगा, ये आपके खरीफ की फसल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वो आपका कौन सा है, तो 32 का ऑप्शन बताइए कौन सा हो जाएगा, तो अभी बताया था कि हमने खाद्यान्न का फसल सर्वाधिक आपका करता है, उत्तर प्रदेश खाद्यान्न फसल का सर्वाधिक उत्पादन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन आपका कौन करता है, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है यहाँ पर आपका जो प्रतापगढ़ है। ठीक है, प्रतापगढ़ जो है वो आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला आपका जिला है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी, तो उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई थी, यहाँ पर 34 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 34 का ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, 1992। ठीक है, डी नंबर आपका सही हो जाएगा, 1992। आप लोग जवाब देते चलिए भाई, हम स्पीड में रहेंगे क्योंकि क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही है। उत्तर प्रदेश निम्न में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है, तो भाई किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है, 35 का सही जवाब आपका डी हो जाएगा, ये तंबाकू के लिए। ठीक है, तो डी नंबर आपका हो जाएगा, देश में सबसे बड़ा उत्पादक पूछा गया है, किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है, तो यह उत्तर प्रदेश निम्न से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है, तो यहाँ पर कह सकते हैं भाई इसका तंबाकू जवाब नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर आपका क्वेश्चन कुछ हिसाब से है, तो यहाँ पर कह सकते हैं आलू कह सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर वाणिज्यिक फसल के हिसाब से बोलता तो हम लोग कह सकते हैं कि आपका इसको वाणिज्यिक में गन्ना लगा देते, तो थोड़ा सा ये क्लियर कर लीजिएगा 35 वाला नंबर। ठीक है, वैसे आपका इसका जवाब जो आपका दिया है, ठीक है, वो आपका तंबाकू दिया गया है। ठीक है, तो होना वैसे आपका आलू चाहिए था, देख लीजिएगा आप लोग सर्च कर लीजिए, सॉरी यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिया गया है कुछ दूसरी हिसाब से 35 नंबर, 35 का जो आपका जवाब है वो आपका है डी नंबर, यहाँ पर भाई कौन सा 1 है और इसके बाद 3 है, बिल्कुल सही है भाई, यहाँ पर हम लोग कन्फ्यूज हो रहे थे, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपका अलग दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, तो बिल्कुल सही जवाब का कौन हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा। ठीक है, कोई जरूर नहीं है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, कि राज्य में संतरे की पैदावार वाला प्रमुख जिला कौन है, राज्य में संतरे की पैदावार वाला प्रमुख जिला कौन सा है, तो 36 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, सहारनपुर, याद रखिए सी नंबर सहारनपुर हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रदेश के तराई क्षेत्र अर्थात विशेष करके सिद्धार्थनगर में उगाए जाने वाले सुगंधित चावल की किस्म कौन सी है। तो यहाँ पर ये 2019 में आपको क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर बताइए कौन सा आपका हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन आपका है। तो यहाँ पर आपका जवाब सही हो जाएगा आपका यहाँ पर डी नंबर, काला नमक। ठीक है, कौन सा है आपका है, तो यहाँ पर काला नमक है जो कि आपके जो प्रदेश के तराई क्षेत्र में आपका सर्वाधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपको जो दिया गया है आपके कह सकते हैं नदी वगैरह से है, ठीक है, उत्तर प्रदेश की नदियों से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि निम्न से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया गया है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में जो प्रयुक्त किया गया है वो किया गया है आपकी गंगा नदी को, ठीक है, जो कि आपकी इलाहाबाद से हल्दिया तक आपका ये जाता है वाटर हाईवे 1। ठीक है, ये आपका है आंसर नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। 2 का जवाब दीजिए, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। देखिए हमने ऑलरेडी इतने हमने चैप्टर करवा रखे हैं कि ये सब चीज़ें आपने पढ़ा होगा, लेकिन रिवीजन के तौर पर हम आपको यहाँ पर मास्टर वीडियो दे रहे हैं, ठीक है ना। वैसे आपने पढ़ लिया हो, सब कुछ पढ़ लिया हो, क्योंकि हमने यहाँ पर कम से कम 2-3 बार वीडियो बना चुके हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका जो 2 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा, शारदा नहर है। ठीक है, शारदा नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे, निम्न से कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। पेयजल परियोजना आपकी कौन सी है, तो याद रखिए पेयजल परियोजना उत्तर प्रदेश की जो है वो आपकी है गोकुल बैराज परियोजना। ठीक है, सी नंबर आपका हो जाएगा, गोकुल बैराज परियोजना है, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे, केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। तो केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। 4 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 का ऑप्शन राइट आपका यह हो जाएगा, गंगा नदी को। ठीक है, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है। हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है, 5 का जवाब दीजिए यहाँ पर। तो 5 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, हथनी कुंड परियोजना आपके कहाँ पर है, आपकी यमुना नदी पर है। ठीक है, यमुना नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि माता टीला परियोजना जो आपकी है वो आपकी किस नदी पर है। तो माता टीला परियोजना आपकी कहाँ पर है, आपका 6 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा ए नंबर, आपकी बेतवा नदी पर। ठीक है, बेतवा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपसे कि निम्न से कौन सुमेलित नहीं है। नॉन से कौन सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर देख सकते हैं राजघाट जो आपके है वो आपका कह सकते हैं राजघाट आपके भाई यहाँ पर यमुना नदी में आपका यहाँ पर नहीं है। ठीक है, ये आपका राजघाट बेतवा नदी में यहाँ पर इसमें नहीं है, और रानी लक्ष्मी भाई आपके बेतवा में है, रिहंद आपका रिहंद में है, माता टीला आपका बेतवा में है। तो यहाँ पर राजघाट भाई आपकी यमुना नदी में नहीं है, इस प्रकार से आपका फर्स्ट गलत हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो बिठूर कह रहा आपसे गंगा नदी के किनारे, गोरखपुर आपसे राप्ती नदी के किनारे, और यहाँ पर 8 का जो जवाब हो जाएगा कौन, जौनपुर। जौनपुर आपका कह सकते हैं आपके सही नदी के किनारे आपका नहीं बसा है, ये गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, जौनपुर। तो इस प्रकार से यहाँ पर सी नंबर आपका गलत हो जाएगा, 8 का सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि राजघाट बांध एवं नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बराबर बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है जो बनाई जा रही है। तो भाई ये राजघाट जो बनाई जा रही है किस पर बनाई जा रही है, तो अभी हमने आपको बताया था कि आपकी बेतवा नदी पर आपका बना हुआ है। ठीक है ना, जो अभी आपका पॉइंट आया था सही मिलान में, तो आपका सी नंबर आपका बेतवा नदी पर आपका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्न से कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है। तो भाई बेतवा नदी पर आपका जो बनाया गया है बांध कौन सा बनाया गया है, तो अभी आंसर आपका देखा था राजघाट बांध। ठीक है, राजघाट बांध ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल्लर झील भारत के किस राज्य में स्थित है। फुल्लर झील भारत के किस राज्य में स्थित है, 12 का सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर, याद रखिएगा 12 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, या आपके उत्तर प्रदेश में है, पीलीभीत है। पीलीभीत में अर्थात कह सकते हैं उसी झील से आपकी गोमती नदी आपकी निकल के आती है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है। 13 का जवाब दीजिए, परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है, तो यहाँ पर 13 का ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट हो जाएगा, आपके बेतवा नदी पर है। ठीक है, बेतवा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 110 मीटर ऊंचा बिहार जलप्रपात प्रदेश की किस नदी पर बना है। तो बिहार जलप्रपात जो बना है 110 मीटर, ये आपके कहाँ पर बना है, तो आपकी ये टोंस नदी पर है। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, टोंस नदी पर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, 15 का जवाब दीजिए यहाँ पर, याद रखिएगा सबसे ऊंचा आपका बांध है राम गंगा बांध। ठीक है, ऑप्शन आपका 15 का यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा आपसे, निम्न से किस नदी का तटवर्ती क्षेत्र अवनालिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध है। तो अभी हमने बताया था कि कौन सी नदी है जो आपका घाटी, चंबल घाटी हमने बताया था ना। 16 का ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, चंबल घेत जो क्षेत्र है ये नदी अवनालिका के लिए काफ़ी आपका प्रसिद्ध है, तो कह सकते हैं काफ़ी यहाँ पर नदी मतलब मृदा प्रदान होती रहती है। ठीक है, अगला है कि निम्न से कौन सी नदी ब्रह्माघाट नामक स्थान पर करनाली नदी से मिलती है और घाघरा नदी बन जाती है। तो ब्रह्मा नदी नामक स्थान पर निकलती है और काली नदी से मिल जाती है, ये आपकी कौन सी नदी है। तो यहाँ पर 17 का देखना है ऑप्शन क्या क्या दिए हैं। तो 17 में यहाँ पर ऑप्शन आपका जो दिए हैं ऑप्शन आपका बी हो जाएगी, ये आपकी जो है वो आपकी शारदा नहर है। ठीक है, कौन सी है, शारदा नहर, याद रखिएगा। ठीक है, यही आपकी करनाली नदी से मिलती है और घाघरा नदी बन जाती है, कौन सी, आपकी शारदा नहर, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है
निम्न से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? 18 जवाब दीजिए भाई। तो गोरखपुर आपका किस नदी पर है? तो अभी हमने बताया था ये राप्ती नदी किनारे बसा है, याद रखिएगा राप्ती नदी किनारे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से कौन नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती है? उत्तर दिशा में नहीं बहती है, 19 का जवाब दीजिए। तो भाई यहाँ पर उत्तर उत्तर दिशा में नहीं बहती है तो चंबल है, केन है, बेतवा है, आपकी गंडक। तो 19 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा, कौन सा? डी नंबर, गंडक है, जो कि आपकी देख सकते हैं ऊपर से नीचे को आती है ना कि उत्तर की ओर जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर डी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए तथा सही कूट का आपका चयन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि इस प्रकार से कुछ आपका दिया गया है। तो यहाँ पर जो आपका चित्रकूट है, तो चित्रकूट बसा है आपकी मंदाकिनी नदी किनारे, ये आपका 4 हो जाएगा। जौनपुर, तो जौनपुर आपके किसके? तो आपका गोमती नदी किनारे, तो आपका ये 2 हो जाएगा। मथुरा, तो मथुरा आपके यमुना नदी किनारे है, इसका 1 हो जाएगा। और अयोध्या आपका बसा है आपके सरयू नदी किनारे, तो ये आपका 3 हो जाएगा। तो 4, 2, 1, 3 जो आपका है वो आपका बी नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? 21 का जवाब दीजिए। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? यहाँ पर 21 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा डी नंबर, आपका उत्तर प्रदेश है, जहाँ पर सर्वाधिक नलकूपों से सिंचाई होती है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से कौन सबसे लंबी नहर है? सबसे लंबी नहर आपकी कौन सी है? 22 का जवाब दीजिए। तो अभी हमने बताया था ये आपकी है शारदा नहर, ठीक है, शारदा नहर है, ये काफ़ी शाखाओं में बटी है, इस कारण ये काफ़ी लंबी हो जाती है। अब यहाँ पर आपको कुछ प्रयाग हैं जो कि कुछ नदियों से मिलकर आपके बने हुए हैं, तो यहाँ पर देखना है कि किस प्रकार से कौन आपका घाट यहाँ पर मिलकर बनता है। तो याद रखिएगा जो रुद्रप्रयाग है, रुद्रप्रयाग, ठीक है, कौन सा? रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग अलकनंदा और आपके कह सकते हैं मंदाकिनी नदी मिलने से आपका रुद्रप्रयाग बनता है, ये आपका 2 हो जाएगा। नंदप्रयाग, तो नंदप्रयाग जो आपका है वो आपका अलकनंदा और आपकी मंदाकिनी नदी मिलकर बनती है, ठीक है। कर्णप्रयाग की बात करें तो कर्णप्रयाग आपका है कौन सा? तो अलकनंदा और आपका पिंडर नदी। और देवप्रयाग, तो देवप्रयाग आपका कौन सा है? तो भागीरथी और आपकी अलकनंदा। तो इस प्रकार से इसका आपका फर्स्ट हो जाएगा, इसका जो आपका है 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2, 4, 3 आपका ऑप्शन आपका बी सही यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्न नगरों में से कौन गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है? यहाँ पर नहीं शब्द आपसे पूछा गया है, तो नहीं शब्द आपका जो कौन है, यहाँ पर आपका 24 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, वो वाराणसी है, जो गंगा के दाहिने किनारे नहीं बसा है। देखिए हमने सभी क्वेश्चन पढ़ा दिया है, ऐसा नहीं है, ठीक है, और ये सिर्फ मास्टर वीडियो है, इस कारण सभी क्वेश्चन इसे इन्वॉल्व कर दिया है। यहाँ पर 25 नंबर आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना स्थापित की गई है। ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना है, तो भाई ये किस नदी पर है? 25 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर डी नंबर, आपकी बेतवा नदी पर, ठीक है, किस पर? आपकी बेतवा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन है, तो उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन आपके कौन से हो जाएंगे? तो यहाँ पर 26 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, नलकूप, याद रखिएगा नलकूप है, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पर कुछ इस क्रम में आपको दिया गया है, तो इस क्रम में आपको यहाँ पर देखना है कि कौन सा आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा आपका जो है वो आपके नलकूप से है, फिर आपके नहर से है, फिर आपके तालाब कुओं से, फिर आपके अन्य से हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर जो बी नंबर आपका ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। 2, 1, 3, 4 ये ऑप्शन आपके नीचे कुछ इस प्रकार से दिए हैं, तो इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश की निम्न नदियों में से किन के उद्गम हिमालय से नहीं हुए हैं? तो याद रखिएगा हिमालय से उद्गम नहीं हुए हैं, कौन कौन सी आपकी ये नदी है? तो आपकी ये जो नदी है आपकी है कह सकते हैं ये आपकी है गोमती नदी। तो गोमती नदी देखो पुल्लर झील से निकलती है, और बेतवा नदी ये भी आपकी कह सकती है हिमालय से नहीं निकलती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये दो नदियाँ आपकी हैं जो हिमालय से नहीं निकलती हैं, इस प्रकार से ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है, गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है ये कहाँ पर है आपका? तो 28 का सही जवाब हो जाएगा आपका डी नंबर, आपके सोनभद्र में है। कहाँ पर है? सोनभद्र, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, सोनभद्र में गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला कौन है? अर्जुन बांध से जो लाभ लेता है ये जिला कौन सा लेता है? याद रखिए जो आपका ये बांध बनाया हमीरपुर, तो हमीरपुर आपके अर्जुन बांध से लाभ लेता है, ठीक है, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है, रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है तो यहाँ पर कहाँ पर अवस्थित है भाई? तो यहाँ पर 30 का ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट हो जाएगा, बेतवा नदी पर है, ठीक है, फर्स्ट हो जाएगा बेतवा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है, गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय अवस्थित है तो ये कहाँ पर अवस्थित है? तो अभी आपको यहाँ पर जवाब मिला था कि आपके सोनभद्र के आपके उत्तर प्रदेश में, तो जवाब हो जाएगा फर्स्ट नंबर आपके उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर 32 का सही जवाब हो जाएगा कौन सा? बिल्कुल सही जवाब है सी नंबर का हो जाएगा, नलकूप हो जाएगा, ठीक है, नलकूप। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्न में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है, तो भाई नलकूपों से जो सर्वाधिक आपकी सिंचित भूमि क्षेत्र है वो आपका कौन सा हो जाएगा?
यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही जवाब है सी नंबर, उत्तर प्रदेश आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है। देखिए 2019 में पूछा गया है, तो आपकी यमुना की सहायक नदी नहीं है, कौन सी नहीं है, तो यहाँ पर देख सकते हैं केन भी है और आपकी बेतवा नदी भी है, आपकी चंबल भी है, लेकिन कल्याणी नहीं है, तो आपकी यहाँ पर हो जाएगा कल्याणी नदी नहीं है। और इसके भी आंसर की आप डाउनलोड कर सकते हैं, नेक्स्ट चैप्टर आपका आ चुका है जो कि कह सकते हैं आपकी उत्तर प्रदेश में जो आपका ऊर्जा संसाधन है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका पूछा गया है, यहाँ पर का पहला कि ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया है, ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया है, यहाँ पर जवाब देना है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, आपकी रिहंद नदी पर, ठीक है, किस नदी पर, रिहंद नदी पर ओबरा जल विद्युत केंद्र आपका स्थापित है अर्थात बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरौरा आणविक संयंत्र अवस्थित है। आप देखते हैं कि भारत का एकमात्र परमाणविक जो आपका है यूपी का, वो आपका नरौरा है, ठीक है। तो यहाँ पर टू का ऑप्शन राइट आपका कौन सा हो जाएगा, और ये स्थित है आपके बुलंदशहर में, याद रखिएगा कि नरौरा में आपका आणविक संयंत्र आपका स्थित है, ठीक है, नरौरा, ठीक है। और नरौरा कहाँ पड़ता है, आपके बुलंदशहर, डी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि रिलायंस समूह द्वारा 1200 मेगावाट के ताप विद्युत स्टेशन की स्थापना की गई है, तो रिलायंस समूह के द्वारा 1200 मेगावाट के ताप विद्युत स्टेशन की स्थापना कहाँ पर की गई है। थ्री का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, ये आपकी रोजा में की गई है, ठीक है, रोजा ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है, नाभिकीय परियोजना आपकी है, नाभिकीय ऊर्जा परियोजना, तो भाई अभी आपने पढ़ा कि नाभिकीय ऊर्जा से जो आपका है वो आपकी न्यूक्लियर पावर आपका कौन सा, नरौरा हो जाएगा, नरौरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता टीला बहुउद्देशी परियोजना किस नदी पर है, माता टीला बहुउद्देशी परियोजना किस नदी पर है। फाइव का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर कौन हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, आपके बेतवा नदी पर, ठीक है, बेतवा नदी पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न से कौन तापी परियोजना निजी क्षेत्र का है, तो तापी परियोजना निजी क्षेत्र की आपकी कौन सी है, यहाँ पर देख सकते हैं सिक्स का जवाब कौन हो जाएगा, तो निजी क्षेत्र की ये आपकी है बी नंबर, आपकी अनपरा सी, ठीक है, कौन सी, अनपरा सी, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से कौन तापी परियोजना नहीं है, तापी परियोजना आपकी नहीं है, सेवन का जवाब देना है, तो यहाँ पर तापी परियोजना आपकी नहीं है, ऑप्शन आपका फर्स्ट, आपका रिहंद परियोजना नहीं है, ठीक है, रिहंद परियोजना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है, आठ का जवाब दीजिए यहाँ पर, तो आठ का सही जवाब आपका हो जाएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं सौर ऊर्जा से, ठीक है, सौर ऊर्जा से प्रदूषण की समस्या आपकी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपसे कि प्रदेश के किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र है, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि सर्वाधिक जल विद्युत केंद्र जो स्थापित किए गए हैं किस आपके नहर पर किए गए हैं, तो नाइन का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा, ऊपरी गंगा नहर, ठीक है, ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा ऊपरी गंगा नहर, ठीक है, ए नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि प्रदेश में विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है, तो प्रदेश में विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत जो आपका है वो दस का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, ये आपकी तापी ऊर्जा, ठीक है, विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत आपका कौन सी है, आपकी तापी ऊर्जा है अर्थात थर्मल पावर प्लांट, ठीक है, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा आपसे कि प्रदेश में निम्न तापी संयंत्रों में कौन एनटीपीसी का नहीं है, तो देख सकते हैं एनटीपीसी के द्वारा आपका ये तापी संयंत्र नहीं है, कौन सा, यहाँ पर आपका 11 का ऑप्शन राइट आपका कौन हो जाएगा, 11 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, आपका ओबरा संयंत्र है, ये आपके कह सकते हैं कि तापी अर्थात थर्मल पावर प्लांट से आपका नहीं है। मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि शीतला जल विद्युत परियोजना स्थित है, शीतला जल विद्युत परियोजना स्थित है, ये आपके कहाँ पर स्थित है, 12 का जवाब दीजिए, यहाँ पर 12 का ऑप्शन राइट आपका ये हो जाएगा, आपके झांसी में, ठीक है, कहाँ पर, झांसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रदेश के एकमात्र परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र नरौरा जो कि बुलंदशहर में जो आपकी है, इसकी प्रथम इकाई जो चालू हुई थी कब चालू हुई थी, प्रथम इकाई जो चालू हुई थी ये कब चालू हुई थी, 13 का जवाब ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 1991 में चालू हुई थी, ठीक है, 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई थी, प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई थी, 14 का जवाब दीजिए यहाँ पर, तो 14 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, 1983, ठीक है, बी नंबर 1983। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है, तो कहाँ पर स्थापित है भाई, यहाँ पर 15 का ऑप्शन राइट आपका कौन हो जाएगा, तो 15 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, आपके नरौरा में, ठीक है, सी नंबर आपके नरौरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई, ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है, तो 16 का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, ये सोवियत संघ रूस से की गई है, ठीक है, ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के साथ, तो आपके सोवियत संघ रूस के साथ की गई है, ठीक है। माता टीला बांध किस राज्य में स्थित है, तो भाई 17 का जवाब क्या हो जाएगा, तो माता टीला बांध जो आपका है ये आपका है ऑप्शन सी, आपके उत्तर प्रदेश में, अभी हमने बताया था कि उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित एनटीपीसी संयंत्रों में से कौन गैस आधारित नहीं है, तो गैस आधारित आपका नहीं है, तो यहाँ पर आपका कौन सा नहीं है, तो 18 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, टांडा, ये आपके कोयले से आपका होता है, ठीक है, अर्थात कह सकते हैं कि ये आपकी गैस से नहीं होता है, ये आपके कोयला वगैरह से होता है, ठीक। अब आपको यहाँ पर कह सकते हैं जो कि आपका चैप्टर है आपका जो कि
खनिज वन संपदा वन्य जीव वगैरह, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बहुत पूछे जाते हैं और अपडेटेड चैप्टर है आपका। यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन आपका बताना है कि जो आपका बखीरा पक्षी विहार स्थित है कहाँ पर स्थित है। जवाब दीजिए भाई, बखीरा पक्षी विहार कहाँ पर है? तो याद रखिएगा, बखीरा पक्षी विहार आपके कहाँ पर है? संत कबीर नगर में। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, संत कबीर नगर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है? तो देख सकते हैं कि पर्यावरण के लिए घातक आपका होता है ये वृक्ष कौन सा होता है। तो यहाँ पर डू का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? टू का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यूकेलिप्टिस। याद रखिए, पानी बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि पानी की मात्रा इसको ज़्यादा चाहिए, इस कारण से पर्यावरण का दुश्मन भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पर है? नवाबगंज जिसका चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार इसका नाम कर दिया गया है, और ये आपके कहाँ पर है? तो ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, आपके उन्नाव में है। ठीक है, उन्नाव में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी? प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी? फोर का ऑप्शन राइट आपका कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिए, ये ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, नवाबगंज पक्षी विहार की स्थापना की गई थी सर्वप्रथम। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार कौन सा है? प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार कौन सा है? तो विस्तृत पक्षी विहार आपके यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो आपका ये है आपका सी नंबर, लाख बहोसी पक्षी विहार। ठीक है, लाख बहोसी कन्नौज में है जो सबसे बड़ा है, तो लाख बहोसी पक्षी विहार हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न का सही सुमेलन कीजिए, अर्थात कौन पक्षी विहार कहाँ पर आपका पड़ता है? सिक्स का जवाब आपको देना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका नवाबगंज पक्षी विहार है ये आपके कहाँ पर है? तो ये आपके उन्नाव में है, इसका आपका दो हो जाएगा। ओखला पक्षी विहार, और ओखला पक्षी विहार जो आपका पड़ता है ये आपके गौतम बुद्ध नगर में है, इसका आपका थ्री हो जाएगा। समस्तपुर पक्षी विहार, समस्तपुर विहार आपके रायबरेली में है, तो इसका आपका फोर हो जाएगा। पार्वती आरंगा पक्षी विहार, तो आपका ये कहाँ पड़ता है? आपके गोंडा में पड़ता है, इसका आपका फर्स्ट हो जाएगा। तो 2341 2341 ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और भाई आप लोग वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पर नेक्स्ट कह रहा आपसे कि सोनभद्र में निम्न धातुओं में से कौन कौन पाई जाती हैं? यहाँ पर सोनभद्र में कौन कौन सी धातुएं पाई जाती हैं? जवाब देना आपको वहाँ पर सात नंबर में। तो सात का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा कि आपके सोनभद्र में आपके कह सकते हैं एंडालूसाइट ये आपका पाया जाता है, फिर आपका कह सकते हैं पायराइट भी पाया जाता है, और आपका डोलोमाइट, ये चीज़ पाई जाती है, अर्थात ये तीन चीज़ें पाई जाती हैं आपकी। ठीक है, और यूरेनियम तो आपको पता है ललितपुर में पाया जाता है, तो इस प्रकार से तीन आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्न से कौन सा वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब तक वो पारिस्थितिकी आतंकवादी माना जाता है? तो भाई आपका ये आपका पारिस्थितिकी तंत्र का आतंकवादी माना जाता है कौन सा? तो अभी हमने आपको बताया था कि ये आपका यूकेलिप्टिस है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यूकेलिप्टिस हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार कौन सा है? यहाँ पर वन्य जीव विहार पूछा है, नाइन का ऑप्शन कौन हो जाएगा? तो यहाँ पर महावीर स्वामी वन्य जीव विहार जो कि आपके ललितपुर में है। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, और याद रखिए कुछ अपडेट आपके हुए हैं। ठीक है, तो अपडेट के हिसाब से आप देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में कितने भाग पर वन होना चाहिए? दस का जवाब दीजिए यहाँ पर। तो भाई दस का ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, एक बटे तीन भाग पर आपका कह सकते हैं वन आपका होना आवश्यक है। ठीक है, एक बटे तीन भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में एस्बेस्टस पाया जाता है, तो राज्य में एस्बेस्टस जो पाया जाता है कहाँ पर पाया जाता है? ग्यारह का जवाब दीजिए यहाँ पर। तो याद रखिए एस्बेस्टस जो पाया था आपके मिर्जापुर क्षेत्र में। ठीक है, सी नंबर आपका हो जाएगा, मिर्जापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रदेश में सर्वप्रथम 1957 में किस वन्य जीव विहार की स्थापना की गई थी? तो 1957 में वन्य जीव विहार की स्थापना की गई थी, ये आपकी कौन सा कह सकते हैं वन्य जीव विहार है? 12 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा, चंद्र प्रभा वन्य जीव विहार जो कि आपकी चंदौली में है, ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा, चंदौली चंद्र प्रभा वन्य जीव विहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है या कह सकते हैं स्थापित हो चुका है, तो ये आपका कहाँ पर है? बिल्कुल सबको पता होगा, बिल्कुल सही जवाब है सी नंबर, आपके इटावा में है सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध है कहाँ पर? अभी हमने आपको बताया था कि यूरेनियम उत्पादन में आपका जो है यूपी का वो आपका ललितपुर जिला है। ठीक है, ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा, ललितपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि कथन दिया है कि वन नवीकरणीय संसाधन है, और कारण दिया है कि ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ये तो बात सही है कि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की व्याख्या सही नहीं करता है, तो आंसर आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ था, द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में जो शुभारंभ हुआ था कब हुआ था यहाँ पर? 16 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, 2001 में हुआ था। ठीक है, 2001 में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं कहाँ पर पाए जाते हैं? 17 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपके सिंगरौली क्षेत्र में। ठीक है, सिंगरौली क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सही सुमेलित कीजिए, अर्थात यहाँ पर आपको मिलान करना है। ठीक है, और मिलान में यहाँ पर देखना है कि कौन सही है आपको नहीं है।
तो देखिए सोनभद्र, जो सोनभद्र है वहाँ पर आपका चूने का पत्थर मिलता है, यहाँ पर आपका फोर हो जाएगा। प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में जो आपका है वो आपका शीशे वाली बाबू बुल अर्थात कह सकते हैं ग्लांड सैंड मिलती है, ग्लास सैंड मिलती है, यहाँ पर आपका थ्री हो जाएगा। ललितपुर की बात करें तो ललितपुर में आपका यहाँ पर जो आपका हो जाएगा तांबा हो जाएगा, ठीक है, तो इसका आपका कह सकते हैं आपका टू हो जाएगा। और जो मिर्ज़ापुर में है तो मिर्ज़ापुर में आपका है वो नॉन प्लास्टिक फायर के लिए पाई जाती है, तो यहाँ पर वन हो जाएगा। तो यहाँ पर 18 का सही जवाब आपका कौन हो जाएगा, बी नंबर 4321 ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्न जनपदों में कौन सर्वाधिक वन आच्छादित है, तो सर्वाधिक वन आपके जो आपके कह सकते हैं आपके हैं वो आपके सोनभद्र जिले में है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सोनभद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सुरा ताल पच्ची विहार अवस्थित है, कहाँ पर स्थित है, तो सुरा ताल पच्ची विहार अवस्थित है आपकी ऑप्शन राइट, यहाँ पर 20 का सही जवाब क्या हो जाएगा भाई, तो 20 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। सुरा ताल पच्ची विहार आपका जो है वो आपके बलिया में है, कहाँ पर आपके है, तो आपके बलिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से कौन सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पर देखते हैं आपका दिया है कोयला जो कि सोनभद्र में, बलुआ पत्थर आपके मिर्जापुर में, आपका सिल्का दिया है सिल्का बालू आपके प्रयागराज में, यूरेनियम, यूरेनियम अभी हमने बताया कि आपका कहाँ मिलता है, तो आपके ललितपुर में ना कि झांसी में, तो इस प्रकार से ये आपका डी नंबर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है, प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है, 22 का सही जवाब दीजिए, याद रखिएगा प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार आपका हस्तिनापुर है, ठीक है, हस्तिनापुर वन्य जीव विहार है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन से हैं, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन से हैं, 23 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 23 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में पाया जाने वाला प्रमुख है आपका रॉक फास्फेट और आपका डोलोमाइट, ठीक है, सी नंबर आपका 23 का सही हो जाएगा, रॉक फास्फेट और आपका डोलोमाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका सुमेलित कीजिए, यहाँ पर भी आपको सुमेलित करना है और देखना है आपका कौन सा सही यहाँ पर कौन सा आपका नहीं है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका सोनभद्र है, ठीक है, सोनभद्र है, तो सोनभद्र आपके चूने पत्थर के लिए आपका है, यहाँ पर आपका टू हो जाएगा। ललितपुर तो आपका ललितपुर है जो आपके तांबे के लिए हो जाएगा, आपका थ्री हो जाएगा। प्रयागराज और प्रयागराज बचा हुआ आपका सिल्का बालू के लिए आपका हो जाएगा, तो 2231 ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्न से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है कौन सा खनिज भाई, तो 25 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर याद रखिएगा कि आपका जो अभ्रक है ये आपका नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्न से यूरेनियम कहाँ मिलता है, जवाब दीजिए निम्न में यूरेनियम कहाँ मिलता है, यूरेनियम कहाँ मिलता है भाई, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपके ऑप्शन राइट आपके सी, आपके ललितपुर में पाया। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद आपका कौन सा है, सभी लोगों को पता होगा कि आपका उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है, तो आपका लखीमपुर खीरी है, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है 2011 के अनुसार प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर आपकी कितनी है, पुरुष साक्षरता दर की बात किया है, ठीक है, तो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा टू का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। याद रखिए उत्तर प्रदेश में जो आपकी साक्षरता दर है वो आपकी पुरुषों की कितनी है, तो आपकी 77.3 है, याद रखिएगा। वैसे देखा जाए तो औसत में जो आपका है वो 67.7% है, ये औसत है, जिसमें से पुरुषों की है आपकी 77.3% और महिलाओं की है आपकी 57.2% आपकी है, दोनों पॉइंट क्लियर हुए होंगे। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि जनगणना 2001 के अनुसार निम्न में से कौन सर्वाधिक साक्षर दर है, देखो 2001 के भी डाटा कभी-कभी पूछ लेता है, ठीक है, 2001 के अनुसार जो आपका था वो आपके यहां पर कह सकते हैं जैन, ये भी आपके अभी भी है, याद रखिए जैन जो आपके सर्वाधिक पढ़े लिखे हैं, याद रखिएगा, ठीक है, ये आपके इस भी जनगणना में भी है, 2001 में भी थे। अगला प्रश्न आपका है 2011 के अनुसार राज्य में शिशु लिंग अनुपात कितना है, राज्य में शिशु लिंग अनुपात जो आपका है कितना है, याद रखिएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा 902, ये आपका शिशु लिंग अनुपात है, ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन राइट का बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है 2011 के अनुसार राज्य में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितना है, यहां पर आबादी की बात किया है कि जो महिलाएं हैं वो कुल आबादी का लगभग कितने प्रतिशत है, याद रखिएगा 48% है, कितनी है 48%, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है उत्तर प्रदेश में लिंगा अनुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से घटा था, देखिए लिंगा अनुपात हमने लिंगा अनुपात के बारे में बताया था कि अगर 1000 आपके पुरुष हैं तो उसमें से आपके 1000 महिलाएं होना चाहिए, बल्कि ऐसा नहीं है, बहुत ही ऐसा आपके जगह है जहां पर आपकी महिलाओं की संख्या आपकी ज्यादा होगी, नहीं तो महिलाओं की संख्या आपकी घटी है ना, तो इस प्रकार से यहां पर कह सकते हैं जो लिंगा अनुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से घटा था, ये जो आपका घटा था आपके ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा डी नंबर, 1991 से 2001 के बीच में जो आपका अनुपात था वो सर्वाधिक रूप से घटा था। अगला प्रश्न आपका है कि प्रदेश में जनसंख्या की दशकीय की वृद्धि दर अधिकतम थी, जनसंख्या वृद्धि दर जो आपकी थी ये आपकी अधिकतम जब कब थी, तो यहां पर राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, 1991 से 2001 के बीच। नेक्स्ट प्रश्न आपका है
कि प्रदेश की जनसंख्या में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर देखी गई। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर, 10 की वृद्धि दर मतलब क्या होता है कि जो हाल से आपकी 2001 में जनगणना हुई, ठीक है, फिर आपकी 2011 में हुई, तो 10 वर्षों के बाद जो आपकी वृद्धि दर हुई यही आपकी 10 की वृद्धि दर होती है। और यहां पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, यहां पर आठ का आपका हो जाएगा सी नंबर, 1991 से 2000 के बीच में सर्वाधिक वृद्धि दर आपकी देखी गई। अगला प्रश्न आपका है, 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश में एसटी की सर्वाधिक सांद्रता, सांद्रता मतलब होता है कि पास पास होना, तो याद रखिए कि एसटी जो आपके सर्वाधिक है ये आपके कहां पर है, ये आपके सोनभद्र में है, ठीक है, सोनभद्र में ही आपके सर्वाधिक एसटी निवास करते हैं। अगला प्रश्न आपका है, 2011 के अनुसार केवल निगम क्षेत्रों में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों का सही क्रम आपको बताना है। मतलब आपको देख सकते हैं जैसे आपके के जो नगर होते हैं तो 10 लाख से अधिक वाले आपके कौन से आपके नगर हैं, क्रम से अनुसार से देखेंगे तो आपके यहाँ पर नगर निगम के अनुसार है, नगर निगम के अनुसार पूछा है तो आपके यहाँ पर लखनऊ होगा, पिकानपुर, गाजियाबाद और आपके यहाँ पर आगरा, ये आपका नगर निगम के अनुसार आपकी जनसंख्या है, तो आपके नगर निगम में कौन, लखनऊ आपके इसमें नंबर एक में आ जाता है, ठीक है। और अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे 2011 के अनुसार निम्न से सर्वाधिक जनगणना वाला जिला आपका कौन सा है। जनगणत मतलब क्या होता है, जनगणत मतलब होता है कि एक किलोमीटर के अंतर्गत कितने लोग उसमें निवास करते हैं, याद रखिएगा एक किलोमीटर मतलब वर्ग में करते हैं कि क्षेत्रफल होता है ना, तो वर्ग मीटर हो जाएगा, तो यहाँ पर याद रखिए जनगणत वाला जो आपका जिला है ये जिला आपका कौन सा है, तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा गाजियाबाद, गाजियाबाद में सर्वाधिक जनगणत है, ऐसे बिल्कुल फैक्ट पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न आपका है, 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष अनुपात कितना है, वही आपका जो आपका लिंगानुपात जो आपका है वो आपका कितना है, 12 का जवाब देना है, 12 का जवाब देना है, तो याद रखिए 912 महिलाएं हैं तो आपके पुरुष कितने हैं, तो आपके यहाँ पर कह सकते हैं 1000 है, इसका मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कि जो इनका डिफरेंस होता है, ठीक है, डिफरेंस अगर याद कर लेंगे तो हर जगह पॉइंट आपका याद हो सकता है, तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा, बी नंबर, 912 महिलाएं हैं तो 1000 आपके पुरुष हैं, ठीक है, तो इस प्रकार से भी। अगला प्रश्न आपका है, 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला जनपद, सर्वाधिक नगरीय पूछा गया है, सर्वाधिक नगरी वाला जो आपका है वो आपका कौन, तो आपका गाजियाबाद, ठीक है, गाजियाबाद है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है, 2011 के अनुसार जनसंख्या में किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान है, तीसरा स्थान आपसे पूछा गया है, तो यहां पर तीसरा स्थान तो अभी आपको बताया था कि जैन आपके थे ही, ईसाई भी थे, आपका तीसरा स्थान जो आपका है किसका, तो आपके सिख का है, ठीक है, सिख का है, जो कि आपके साक्षर के हिसाब से और धार्मिक समुदाय के हिसाब से है। अगला है, 2011 के अनुसार उच्चतम साक्षरता दर आपकी किसकी है, सबसे साक्षर जो आपका है वो आपका कौन सा है, 15 नंबर में याद रखिएगा कि सबसे साक्षर, देखो आपका गौतम बुद्ध नगर तो दिया नहीं है, तो उसके बाद जो आपका कौन आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका कौन, तो कानपुर नगर आ जाएगा, तो ऑप्शन राइट आपका 15 का हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी नंबर। अगला प्रश्न आपका है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो अभी देखो गौतम बुद्ध नगर नहीं आया था, लेकिन इसमें ऑप्शन में आ चुका है, तो ऑप्शन में आपका कौन सा हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर। अगला प्रश्न आपका है, 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले निम्न चार जिलों का सही आरोही क्रम बताना है, आरोही क्रम क्या होता है, बड़े से लेकर छोटे की तरफ, और आरोही होता है छोटे से बड़े की ओर, तो यहां पर आरोही है, तो सबसे ज्यादा आपका कहां पर हो जाएगा, तो देखिए गौतम बुद्ध नगर, फिर कानपुर नगर, फिर औरैया, फिर आपका इटावा, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका ये वाला जो आपका है वो आपका सही हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, औरैया, इटावा, ये आपके हैं जो आपके कह सकते हैं साक्षरता दर के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाले चार जिलों का सही और वही क्रम बताना है, साक्षर के सामने है 18 नंबर में, तो 18 वाले में देखेंगे जो कि आपका दिया है कौन सा, वही ऑप्शन आपका देखो आ गया है, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, औरैया और इटावा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्न कथनों में से कौन सा सही है, कौन सा सही है, 19 नंबर देखना है, 19 नंबर देखना है, तो कह रहा आपसे कि न्यूनतम साक्षरता वाला जिला जो आपका कौन है, तो यहाँ पर शायद कूट दिया होगा, हाँ यहाँ पर कूट दिया गया है, तो देखिए यहाँ पर आपसे कह सकते हैं 19 नंबर में कि जो आपका पहला पॉइंट है कि न्यूनतम साक्षरता वाला जिला आपका श्रावस्ती है, ठीक है, फिर दिया है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला आपका देवरिया है, ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा, तीसरा न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला आपका ललितपुर है, यहाँ पर आपका तीसरा सही हो जाएगा, नगर निगम के क्षेत्र के अनुसार आधार पर राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला कानपुर नगर, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि लखनऊ है ना, इस प्रकार से 1 और 3 यहाँ पर सही हो जाएंगे, बी नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, बी नंबर। अगला प्रश्न आपका दिया है, 2011 के अनुसार राज्य में 1000 बालकों पर बालिका शिशुओं की संख्या कितनी है, बालिका शिशुओं की बात किया है, शिशुओं की बात किया है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका 902, ठीक है, क्या हो जाएगा, 902 हो जाएगा, यहाँ पर बालिकाओं की बात किया है, महिलाओं की बात नहीं किया है, महिलाओं की बात करता तो आपका 912 होता है ना, तो इस प्रकार से बालिकाओं की बात किया है तो आपका 902 हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, 2001 और 2011 की अवधि में प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर आपकी कितनी रही है, याद रखिएगा कि 2001 और 2011 अर्थात कह सकते हैं 10 वर्षों में जो आपकी जनसंख्या वृद्धि दर रही है वो आपकी कितनी प्रतिशत रही है, तो आपकी कितनी रही है, 20.22%, कितना, 20.22%, ये आपका पॉइंट बहुत ही फैक्ट पूछा जाता है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा।
अगला प्रश्न आपका है, 2011 के अनुसार जनसंख्या के घटते क्रम में जिलों को व्यवस्थित कर सही कोटा आपको बताना है। यहाँ पर जनसंख्या के अकॉर्डिंग आपको बताना है, यहाँ पर देखते हैं कि जनसंख्या के अकॉर्डिंग आपका कौन सा होगा। तो देखिए प्रयागराज में आपके सबसे ज्यादा है, प्रयागराज देखो हमने बताया था जैसे प्रयागराज, इसी को पहले इलाहाबाद बोलते थे, तो बाद वाले आपको रट लेना था, है ना। तो प्रयागराज, फिर इसके बाद आपका कौन सा हो जाएगा, आपका मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद, फिर लखनऊ। इसके अनुसार से आपका कौन सा बना, ए नंबर आपका हो जाएगा प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, लखनऊ, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला है, 2011 के अनुसार किस जिले में साक्षरता उच्चतम है, 2011 के अनुसार किस जिले में साक्षरता दर आपकी सर्वाधिक है, तो आपके कहां पर है गौतम बुद्ध नगर में है। अगला प्रश्न आपका दिया है, 2011 के अनुसार निम्न से क्या सही नहीं है, यह पॉइंट दिया है। तो पहला पॉइंट आपसे यहां पर कह रहा है कि यहां देश की जनसंख्या का 16.5% निवास करती है, बिल्कुल सही है। दूसरा, यहां देश के सर्वाधिक बच्चे पाए जाते हैं, यह भी पॉइंट आपका सही है। तीसरा है, इसकी 10 की वृद्धि दर आपकी 17.2% रही है, 17.7 रही है। तो अभी हमने बताया था कितना था आपका, तो 20.22% था, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। वहीं पर इसका लिंगानुपात 912 है, ये सही है। सी नंबर आपका गलत हो जाएगा, 20.22% होना चाहिए था। अगला है, 2011 के अनुसार कूट से सही उत्तर आपको चुनना है, ठीक है। यहां पर 25 नंबर में देखना है कि आपका किस प्रकार से कूट आपका दिया गया है। यहां पर दिया है क्षेत्रफल में या देश का पांचवा बड़ा राज्य है, क्या ये पांचवा बड़ा राज्य है, नहीं, चौथा बड़ा राज्य है। तो पहला पॉइंट गलत। अगला है कि देश की जनसंख्या में इसका 16.5% योगदान है, तो दूसरा वाला आपका सही है। तीसरे में देखते हैं, इसका यौन राष्ट्रीय औसत से अधिक है, तो औसत से आपका अधिक हो नहीं सकता, कम ही होगा, है ना। तो तीसरा गलत हो गया। इसकी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है, तो यहां पर आपको कह सकते हैं दो और चार कौन है, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, 2011 के अनुसार प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता दर है, देश में जो आपकी सबसे कम महिला पढ़ी लिखी है वो आपकी कहां पर पढ़ी लिखी है। तो आपके यहाँ पर देखो ऑप्शन में आपको देखो श्रावस्ती तो नहीं है, लेकिन श्रावस्ती के पास आपका कौन, रामपुर पड़ता है, तो रामपुर आपको लगा देना है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, निम्न से कौन जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है। यहां पर जनसंख्या की दृष्टि से पूछा है, जनसंख्या के हिसाब से, जनसंख्या कहां पर है, जनसंख्या आपके प्रयागराज अर्थात आपके इलाहाबाद, ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा हो जाएगा, ये जिला हो जाएगा आपका गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर। और अगला है कि जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जिला आपका कौन है, तो ये आपका महोबा है, ठीक है, महोबा है। और अगला है कि जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में 10 लाखी नगरों की संख्या कितनी है, 10 लाखी नगरों की संख्या आपकी कितनी है, याद रखिये 10 लाखी जो नगरों की संख्या है वो आपकी कितनी है, तो आपकी 7 है, कितनी है आपकी, 7 है, तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर भी हो जाएगा। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि 2011 के अनुसार निम्न से सबसे कम जनसंख्या वाला जो जिला है वो आपका कौन सा है यहाँ पर, तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपका बी, आपका महोबा हो जाएगा, ठीक है, महोबा हो जाएगा। और यहाँ पर कह सकते हैं इतने में आपको समझ में नहीं आया होगा, है ना, काफी लोग अभी रटे होगा, रटंत विद्या खुदंत पानी वाला काम करना है यहाँ पर, कह सकते हैं और लगाना है, अभी ज्यादा प्रश्न लगाना है, और इसके बाद थ्योरी भी यहाँ पर पढ़ना है, ताकि जो बच्चों ने पढ़ा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रिवीजन करा रहे हैं, रिवीजन मतलब होता है कि आप लोग किताबों से पढ़ें, इसके बाद टेस्ट पेपर लगाइए, लेकिन क्या होता है काफी लोग एग्जाम के समय या एग्जाम के दिन ही पढ़ाई करते हैं इस टॉपिक को, है ना, तो इस कारण आपको थ्योरी भी बता देंगे, परेशान मत होइएगा। यहाँ पर देखिए प्रश्न आपका दिया है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर आपकी कितनी है। चलिए आप क्वेश्चन रिपीट होंगे, क्योंकि हमारा फर्ज हो रहा है रटाना, तो रटाने में क्या मिलेंगे, क्वेश्चन रिपीट होंगे, अब गलतियां नहीं होनी चाहिए, नहीं डंडे से मार पड़ेगी। चलिए यहां पर आपका क्या है जवाब हो जाएगा आपका, यहां पर देखिए ऑप्शन के अनुसार लगाना है, हमने बताया था 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर जो आपकी थी वो आपकी 67.7 थी, तो उसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, सी वाला आप लगाएंगे, ठीक है, सी वाला लगाएंगे। अगला प्रश्न आपका है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात क्या है, भारत में लिंगानुपात कितना है, भारत की बात किया है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहां पर प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 943, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है, क्वेश्चन आपका देख लो आपका आ गया है, आप बिल्कुल जवाब बताना है, तो यहां पर देख सकते हैं जनसंख्या की बात किया है, यह आपकी 16.16% आपका हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन एक दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है, याद रखिए दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश, ये आपका जो हमेशा दुश्मन समझते हैं यही है आपका पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान है ये दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है। अगला प्रश्न आपका है, वर्ष 2011 में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में उच्च लिंगानुपात है, उच्च लिंगानुपात यहाँ पर देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका उच्च लिंगानुपात कहाँ का है,
फाइव का ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। देख सकते हैं तमिलनाडु का है, ये आपके भारत के हिसाब से है, कंबाइंड आपका होगा तो भारत की भी कंप्लीट हो रही है और यूपी की भी कंप्लीट हो रही है। तो यहाँ पर तमिलनाडु का देख सकते हैं 995 है, आंध्र प्रदेश का 992 है, कर्नाटक का 968 है, ओडिशा का 978 है, ठीक है। केरल का तो आपका सबसे ज्यादा है, लेकिन इनके अकॉर्डिंग में देखना है, ठीक है। और अगला प्रश्न आपका है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, अभी हमने बताया था गाजियाबाद में, गाजियाबाद में कितना है तो 3971 है, याद रखिए। और अगर ऑप्शन में आपका यह नहीं आता है तो भी आपका वाराणसी लिया जाता है जो कि 2395 है, ठीक है। इसी प्रकार लखनऊ हो गया, कानपुर नगर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें शिशु जनसंख्या का प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रों से न्यूनतम है। मतलब ग्रामीण क्षेत्रों से न्यूनतम जो आपका है शिशु लिंगानुपात, ये जो आपका पड़ता है ये आपके जम्मू कश्मीर में, ठीक है, जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न आपका है, जनगणना 2011 के अनुरूप निम्नांकित उत्तर प्रदेश के जिलों में से किस जिले में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या आपके अधिकतम है। मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की जो आपके अधिकतम क्षेत्र है या कह सकते हैं आपका जगह है या आपका कौन, तो आपका इलाहाबाद या प्रयागराज, यहाँ पर जनसंख्या अधिक भी है और ग्रामीण जनसंख्या भी आपकी यहाँ पर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, 2011 के अनुसार प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर आपकी कितनी है। पुरुष साक्षरता दर आपसे पूछा गया है तो पुरुष साक्षरता दर आपका कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी 77.3%। अगला प्रश्न है, 2011 के अनुसार राज्य में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितना प्रतिशत है, ये भी क्वेश्चन आप बता सकते हैं क्योंकि हमने अभी आपको पढ़ा भी दिया है। तो ऑप्शन राइट आपका 10 का कौन सा हो जाएगा, 10 का ऑप्शन आपका हो जाएगा आपका यहाँ पर ए नंबर 48%, ठीक है, कौन सा आपका 48%। अगला प्रश्न आपका है कि दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत आपका वाला देश है। देखो वृद्ध जनसंख्या जो आपकी है वो आपकी कहां पड़ती है, याद रखिए यहां पर आपका हो जाएगा भारत, ठीक है, भारत है। देखो यहां पर इनके अकॉर्डिंग आपको लगाना है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपको लगाना है। वैसे युवाओं की भी संख्या बहुत ज्यादा है लेकिन इतनी जनसंख्या आपकी है कि यहां पर जो आपके वृद्ध है उनकी भी जनसंख्या आपकी ज्यादा हो जाती है इनके अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि जनसंख्या के पिरामिड में कौन सा समूह आश्रित आबादी के रूप में जाना जाता है। आश्रित आबादी, ये जो आश्रित होते हैं तो वो आपके कौन से, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कह सकते हैं कौन सा, तो आपका 0 से 14 वर्ष की जो आपके आय के होते हैं ये आश्रित होते हैं, ये घर में कह सकते हैं कमाते नहीं है, ये आश्रित होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपका डी हो जाएगा। वैसे देखा जाए तो आपकी जो जीडीपी होती है तो जीडीपी में आपके 0 से 14 वालों की जीडीपी को नहीं जोड़ा जाता है, ना ही 60 वर्ष से ऊपर वालों को जोड़ा जाता है, ठीक है, क्योंकि इनको रिटायरमेंट हो जाता है ना। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए कि जो 60 के बाद होती है इनको पेंशन भी मिलती रहती है ना, तो इसके अकॉर्डिंग शुद्ध जो आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरी घनत्व आपका सर्वाधिक है। नगरी घनत्व जो आपका है सर्वाधिक है कहां पर है, नगरी घनत्व, ऑप्शन आपका यहां पर नगरी घनत्व जो आपका हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर देखिए एक पॉइंट आपका दिया है नगरी जनघनत्व, नगरी जनसंख्या नहीं दिया है, नगरी घनत्व दिया है, कंफ्यूज हो रहा था है ना। तो नगरी घनत्व जो आपका है वो आपके पश्चिम बंगाल में है, ठीक है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कामगारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कौन सा सही है। 14 नंबर देखना है, 14 नंबर आपका पहला पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश में सभी श्रेणियों के कामगारों की संख्या सर्वाधिक है, बिल्कुल सही बात है आपका, ठीक है, कामगारों की संख्या आपकी कहां पर है, तो आपके उत्तर प्रदेश में ही है। इस प्रकार से ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है, और अदर कहीं ना कहीं आपकी गलती होंगे। अगला है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। सर्वाधिक साक्षर देख सकते हैं कि जो आपका गौतम बुद्ध नगर है, गौतम बुद्ध नगर है यहाँ पर 80.12% है, और कानपुर देख सकते हैं यहाँ आपका 79.5% है, गाजियाबाद और इटावा, ये आपका स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए क्योंकि यही डाटा आपको एकत्रित करने की जरूरत होती है। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितना है, महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितना प्रतिशत है, तो अभी हमने बताया था कि आपका 48%, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है जो कि पूछा गया है जनसंख्या के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से तो आपका कौन सा हो जाएगा, जनसंख्या के हिसाब से कौन सा हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन आपका सी आपका प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज। अगला प्रश्न आपका है जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में शिशु लिंगानुपात जो आपका है वो आपके कहां पर है, मतलब कितना है, तो आपका कितना है 902 है, कितना है 902 है, याद रखिएगा। अगला है भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला यहां पर आपके कह सकते हैं, देखो भारत के देशों की राज्यों की बात किया है तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो आपका है यहाँ पर आपका 19 ऑप्शन राइट बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाले 4 जिलों का सही आपको क्रम बताना है। तो देखो गौतम बुद्ध नगर तो आपका रहता है, कानपुर और आपका औरैया इटावा, ऑप्शन आपका 20 का हो जाएगा, कौन सा, बी नंबर, आप देखते ही आंसर आप लगा रहे होंगे। चलिए अगला प्रश्न आपका है
जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, कौन सा सही है? सही है तो यहां पर देखते हैं क्या यहां पर कोट दिए हैं। चलिए कोट यहां पर दिया है 21 वाले में यहां पर देखिए वही चीज आपका हो जाएगा कि न्यूनतम साक्षरता वाला जिला श्रावस्ती है ना, सर्वाधिक लिंगानुपात देवरिया, तो आपका गलत हो जाएगा। वहीं पर आपका न्यूनतम जनगणना वाला आपका जिला आपका यहां पर दिया है ललितपुर हो जाएगा, और डी नंबर आपका यहां पर गलत हो जाएगा क्योंकि यहां पर लखनऊ है ना, तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है, सबसे कम महिला जो आपकी साक्षरता है वो आपकी कहां पर, तो आपके रामपुर में। ठीक है, रामपुर में है, श्रावस्ती ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, अगला है जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में उच्चतम साक्षरता दर वाला जनपद कौन सा है, तो सिंपल सी बात है ऑप्शन आपका ये हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को उनके जनसंख्या आकार के अवरोही क्रम में आपको बताना है। तो देखिए यहां पर आपका प्रयागराज हो गया, गाजियाबाद हो गया, आजमगढ़ हो गया, लखनऊ हो गया, इस प्रकार से ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, चलिए अगला है कि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद की जनसंख्या न्यूनतम है, कहां की न्यूनतम है, तो आपकी महोबा की न्यूनतम है, कहां की, महोबा की है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है निम्नलिखित कथनों में से कौन उत्तर प्रदेश की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश के लिए सही नहीं है। पहला पॉइंट है यहाँ देश की जनसंख्या का 16.5% निवास करता है, सही है। यहाँ देश के सर्वाधिक बच्चे पाए जाते हैं, ये भी सही है। तीसरा दिया इसकी 10 की वृद्धि दर 18.4 है, जो कि गलत हो जाएगा क्योंकि हमने बताया था कि 20.22% है ना, तो ये आपका गलत हो गया। दूसरा देखिए इसका लिंगानुपात दिया है 908 दिया है ना, तो ये भी आपका गलत है, इस ऑप्शन में 902 होना चाहिए। अर्थात इस प्रश्न में दो गलतियां आपकी मिल चुकी हैं क्योंकि ये प्रश्न आपने पढ़ लिया है, अब आपको समझ में आ गया है कि अगर एग्जाम में भी मिलेगा तो आप सही करके आएंगे, इसलिए यहां पर क्वेश्चन आपको रिपीट करा दे रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां पर दो ऑप्शन गलत है, सी और डी। अगला प्रश्न आपका है 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में साक्षरता उच्चतम है, सिंपल सी बात है, देखने की भी जरूरत नहीं है, आंखें मूंद के इशारा बता सकते हैं, ए नंबर हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, अगला है कि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों पर आधारित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश के लिए सही नहीं है। पहला पॉइंट, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का 25% से कम शहरी क्षेत्र में रहता है, सही है। उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला है, तो यह शहरी वाला सर्वाधिक नहीं है क्योंकि महाराष्ट्र पहले स्थान में आता है, फिर आपका यूपी आता है, इस प्रकार से यहां पर यूपी का दूसरा स्थान होना चाहिए था, महाराष्ट्र पहले स्थान होना चाहिए, तो यह आपका गलत हो गया। वहीं पर प्रयागराज उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है, यहाँ पर कवाल नगर 10 लाख जनसंख्या के नगरों में श्रेणी में आते हैं, सही है। तो यहाँ पर कह सकते हैं आपका बी नंबर आपका गलत है क्योंकि आपका महाराष्ट्र नंबर 1 में रहता है। अगला प्रश्न आपका है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति का लक्ष्य महिलाओं की विवाह आयु को 19.5 वर्ष तक बढ़ाना है, याद रखिए 19.5 की बात किया है, ना कि 18 से लेकर 21 की बात किया है। ठीक है, ये जो आपका है वो 16 तक था, इसीलिए आप देख सकते हैं आपकी यहाँ पर विवाह नीति आपकी बनाई गई थी जिसमें से बोला गया है अभी पारित नहीं हुआ है कि 18 से 21 वर्ष होगी। ठीक है, ये अभी पारित नहीं हुआ है, इसका ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला जनपद, जनजाति जो आपके हैं कहां पर है, तो आपके कहां पर है, जनगणत मतलब आपके सोनभद्र में है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है 2001 और 2011 की अवधि में प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर जो आपकी रही है वो आपकी कितनी, तो जनसंख्या वृद्धि दर जो आपकी रही वो आपकी कितनी, 31 का जवाब देना है, 31 का जवाब देना है, यहां पर आपका डी 20.22। ठीक है, 20.22 हो जाएगा इस प्रकार से। अगला प्रश्न आपका है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे कम एससी आबादी वाला, एससी यहां पर देखो एसटी नहीं कह रहा है, एससी कह रहा है, जो कि आपकी कहां है, आपके बागपत में है। अगला प्रश्न आपका है 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर आपकी उच्चतम है, कहां पर आपके हैं, तो देखिए आपका कह सकते हैं गौतम बुद्ध नगर था, बल्कि नगर नहीं है, तो आपका कौन सा नगर मिल गया, कानपुर नगर मिल गया, याद रखिए गौतम बुद्ध नगर है, यहां पर कानपुर नगर है, जब वो नगर में नहीं आपको जगह मिलेगी तो इस नगर में जगह मिल जाएगी, सी नंबर आपका हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है, जनसंख्या सर्वाधिक जो आपकी है वो आपकी कहां है, 34 क्वेश्चन आपका डी, बिल्कुल सिंपल सी है कि उत्तर प्रदेश में आपने जन्म लिया है तो जनसंख्या भी यहां पर बहुत ज्यादा है, ठीक है, और नौकरियां यहां पर कम है, ठीक है, मारामारी बहुत ज्यादा है। चलिए अगला है ये 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से किस में महिला साक्षरता दर आपसे सबसे कम है, तो महिला साक्षरता दर आपकी कहां पर होंगी भाई, तो यहां पर देखो श्रावस्ती आया है ना, हमने बताया था सबसे पहले स्थान श्रावस्ती का है, फिर तो रामपुर आता है ना, तो श्रावस्ती जब दे दिया है तो हमको रामपुर लगाने की जरूरत नहीं है, तो इस प्रकार से सी नंबर आपका हो जाएगा श्रावस्ती। ठीक है, चलिए क्योंकि किसी किसी ऑप्शन में आपका रामपुर मिल रहा था, श्रावस्ती नहीं मिल रहा था, लेकिन यहां पर आपका शुद्ध मिल चुका है कि महिला साक्षरता दर सबसे कम कहां है, तो श्रावस्ती में कम है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है, ग्रामीण जनसंख्या जो आपकी सर्वाधिक है वो आपके कहां पर है, तो वही आपको कहां पर है, आपके उत्तर। यहां पर देखो हमने रिपीट क्वेश्चन किया थे।
ताकि आपको। तो चलिए फिर आज की क्लास यहीं रखते हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें, नया है तो चैनल को